गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गुड डे आर्ट स्कूल। इस टाइप का गेट का एक डिज़ाइन मैंने अपलोड किया था। उस वीडियो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि आप हमें इस गेट को बनाकर दिखाएं। तो चलिए, ये गेट कैसे बना है आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। पहले हम लोग इसकी लरी को बनाते हैं। तो पहले इस तरह से ऊन में एक गांठ लगा लीजिए, फिर पुरुष की मदद से हम इसकी चैन बनाते हैं। चैन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपको जितना घना रखना है उतना ही कम चैन देना होगा। फिर इसको इस तरह से बनाएंगे हम लोग। जब इतना बना लेंगे आप तो इसमें से क्रूस को निकाल दीजिएगा, उसके बाद दोनों को आधा आधा कर दीजिएगा। फिर नीचे का जो चैन है उसमें क्रूस को डालकर आप ऊन को बाहर निकाल दीजिएगा। जब ये बाहर निकल जाए तो इस तरह से दोनों उंगलियों से दबाकर फिर से आप इसी के ऊपर से चैन बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको जितना चैन चाहिए आप उसी हिसाब से चैन बना लीजिए। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए मैं इसे फिर से बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हम पूरी लरी को इस तरह से बना लेंगे। इसके नीचे में जो रेड कलर का फ्लावर लगा हुआ है, चलिए हम लोग उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक हम छोटा सा कूट ले लेंगे, उसके ऊपर ऊन को लपेटेंगे। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उसी तरह से उतनी बार लपेट सकते हैं। Thank you.
ये हमारा फ्लावर बन चुका है। चलिए हम इसे लरी के साथ अटेस्ट करते हैं। ये हमारी लरी पूरी तरह से तैयार है। अब हम लोग पट्टी बनाते हैं।
जिस तरह से ये बना है उसी तरह से हम पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। हमारी पट्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो चलिए हम इस पट्टी में लरी को जोड़ते हैं। अगर आपके पास ग्लू है तो आप इसे ग्लू से भी चिपका सकते हैं या फिर आप इसे सुई से सिल लीजिए। ये देखिए, इस तरह से इसकी पूरी लरी को पट्टी के साथ जोड़ देंगे। इसके ऊपर में जो फ्लावर लगेगा, चलिए हम लोग वो फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह के फ्लावर बनाने के लिए आप इस तरह का सांचा का यूज़ कर सकती हैं या कहीं भी आप जहां से भी ऊन खरीदेंगे वहां पे आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इस तरह का फ्लावर स्केल से भी बनता है, आप स्केल की मदद से इस तरह का फ्लावर बना सकते हैं। स्केल से इस तरह का फ्लावर कैसे बनेगा इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं।
आप चाहें तो इस तरह का भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने सिर्फ 3 चैन दिया है। अगर आप इसे भी ज़्यादा सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।